नमस्कार साथियों, और स्वागत है फिर दोबारा से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल घर के छत पर मुर्गी पालन पर। और आज की वीडियो की ओर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। और आज के लिए खैर कुछ ऐसा खास टॉपिक तो था नहीं, लेकिन कुछ ज़रूरी बात भी थी आप लोगों से करने के लिए। वो चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और लेकिन उससे पहले बात कर लेते अपने मुर्गियों की। भाई सबकी ग्रोथ ठीक ठाक सी है। उसके अलावा दाने के लिए मैंने आपको बताया भाई कि मैश फीड हम लोग देते हैं, और उसके अलावा पानी सादा चल रहा है। बीच बीच में कभी हम लिक्सन पाउडर या कभी विमराल जो है वो हम लोग दे देते हैं। बाकी पीछे लास्ट की दो वीडियोस थी उसमें आप लोगों ने देखा भी कि हमने डिवॉर्मिंग के लिए एल्बोमार जो आता है वीरबैक कंपनी का, वो चीज़ हमने दिया था और उस चीज़ पे हमने बात भी करी थी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हट करके है। टॉपिक कुछ ऐसा है, चैनल को लेकर के ही है वो टॉपिक, और ज़रूरी भी है इस विषय पे बात करना, क्योंकि पीछे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हम वीडियोस बनाते हैं उसमें मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको जल्दी उसका आंसर चाहिए तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, क्योंकि कमेंट्स का क्या है वहाँ पे, अगर आप कमेंट करते हो तो जब मेरे को टाइम लगता है तब मैं रिप्लाई दे पाता हूँ, या कोई और हो तो वो दे पाता है उसका रिप्लाई। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में क्या है, कई सारे लोग वहाँ पर है और आपके जो सवाल है उनका जवाब वहाँ पे आपको मिल सकता है। और इन केस अगर वहाँ पर भी नहीं होता है मेरे को नहीं लगता कि, पहली बात तो वहाँ पर कि आपको किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन पीछे एक भाई के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करा, उन्होंने कुछ चीज़ पूछनी थी तो ग्रुप में से उनको किसी ने उस चीज़ का जवाब नहीं दिया। और मेरे को नहीं पता कि उनको, क्योंकि जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था मेरे को नहीं लगता कि वो एकदम अर्जेंसी वाला क्वेश्चन था, यानी उसका जवाब एकदम से उनको चाहिए था। तो एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में आई थिंक किसी ने उसका जवाब नहीं दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को पर्सनल में मैसेज डाले, वही चीज़ मैसेजेस मैंने देख लिए थे लेकिन मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पाया था। और रिप्लाई मैं इसलिए नहीं दे पाया था क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है भी, देखो YouTube जो है वो मेरा सेकंड ऑप्शन है, चाहे वो इस चैनल की बात करूँ मैं या अपने व्लॉग वाले चैनल की बात करूँ। वो मेरे एक सेकंड सेकंड ऑप्शन है अर्निंग का, यानी क्योंकि इस चैनल से मेरी एक अर्निंग तो आ गई है, लेकिन जो दूसरा वाला चैनल है अभी तक वो मोनिटाइज नहीं हुआ है, उसको तक टाइम लगेगा। लेकिन जो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है भाई वो अपनी जॉब है। जॉब में मैं रहता हूँ भाई अपना सुबह 9:30 से 6 बजे के बीच में जॉब में रहता हूँ, और कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता भाई कि आप लोगों के जो सवाल हैं उसका जवाब हम एट अ टाइम दे सके। उस भाई ने क्या करा, पर्सनल में मेरे को मैसेज डाला। कुछ टाइम तक जब उसको रिप्लाई नहीं मिला तो भाई अगले ने मतलब कुछ इस तरह से बोल दिया कि मतलब तेरे 2-4 सब्सक्राइबर्स क्या बढ़ गए कि, तो एकदम से मतलब हवा में हो रहा है फलाना ढिमकाना, मतलब कुछ इस तरह की बातें उसने बोल दी कि मतलब हमारे वजह से ही है तो जो भी है। तो ये बात तो मैं आप लोगों से हमेशा कहता आया हूँ भाई कि आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का प्यार है, इसीलिए मैं यहाँ तक के पहुँच कर आ पाया हूँ। और ये ना केवल इस वीडियो में मैं बोल रहा हूँ बल्कि लगभग हर दूसरी वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ। लेकिन मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि कुछ लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो भाई अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप लेफ्ट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई चीज़ आप पूछ रहे हो तो उसका भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि मैंने अपने लिए आपको बताया भाई कि 9:30 से 6 की ड्यूटी रहती है। पॉसिबल नहीं हो पाता कि आपके जो सवाल है टाइम टू टाइम हम उसका जवाब देते रहे। व्हाट्सएप ग्रुप हमने इसीलिए बना रखा है क्योंकि मेरे से भी ज़्यादा जो एक्सपीरियंस लोग हैं उस ग्रुप में हैं, तो वो लोग भी आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि टाइम से आपको शायद जवाब ना मिल पाए, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन जो उनका था वो इतना अर्जेंसी वाला नहीं था। उनका क्वेश्चन जो था वो ये था कि उनका एक मुर्गा है और साथ में आई थिंक 6 या 8 मुर्गियां हैं, तो उनका ये कहना था कि उनके मुर्गे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो क्या हम अपने मुर्गे को अलग रखें बाकी मुर्गियों से। मेरे को नहीं लगता कि भाई इसमें कोई अर्जेंट क्वेश्चन था कि भाई अभी मैसेज करा तो अभी उसका जवाब चाहिए। तो
इसी वजह से आप लोगों से बोला जाता है अभी कि कोई भी क्वेश्चन हो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, वहाँ पर कोई ना कोई आपके सवालों का जवाब जरूर दे देगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप सवाल पूछ रहे हो तो भी एकदम से आपके जो सवाल है उसका जवाब देने के लिए कोई ना कोई हाजिर रहेगा, है ना। तो जब भी किसी को टाइम मिलता है तो वो अपने अकॉर्डिंग, या अगर उसको कुछ इस तरह की दिक्कतें आई हो, उसने उसको किस तरह से सॉल्व आउट करा हो, जो समस्या है उसका उसने कैसे इलाज निकाला हो या क्या क्या करा हो, तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। उससे हमें भी कुछ सीखने के लिए मिलता है, साथ ही साथ आप लोगों के जो सवाल है उसका जवाब भी आपको मिल जाता है। सो इस चीज़ को आप लोग भी ध्यान रखें भाई कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस का जो जवाब है वो हमारे पास रहता है। मैं आपको हर बार ये चीज़ मैं बोलता हूँ भाई कि कुछ चीज़ें मैं आपसे सीखता हूँ, कुछ आप मेरे से सीखते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम यूट्यूब चैनल चला रहे हैं भाई कि मेरे को A to Z सब कुछ पता है मुर्गी पालन से रिलेटेड, लेकिन जो जो चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। भाई इनक्यूबेटर का एक्सपीरियंस है, हम भी ऐसे ऐसे चिक्स निकलते हैं, या कोई पर्टिकुलर बीमारी है उसमें ऐसा होता है, या जो मुर्गी है बीच बीच में एग देना रोक देती है वो किस वजह से देती है। सो मतलब जो भी टॉपिक्स होते हैं जिस चीज़ को हमने एक्सपीरियंस करा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सवाल पूछो और एकदम ही ये उम्मीद करो भाई कि हमारे ग्रुप का एडमिन है या जिस चैनल को हमने सब्सक्राइब कर रखा भी वो चैनल चला रहे हैं तो उनके पास सारे क्वेश्चंस का जवाब है। सो मैं ये चीज़ फिर दोबारा से आप लोगों से रिपीट कर रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमारा भी अपना टाइम होता है ना, अपना पर्सनल टाइम भी होता है, अपना ऑफिशियल टाइम भी होता है। तो अगर आप लोगों को एकदम तुरंत से जवाब चाहिए तो शायद वो पॉसिबल नहीं है, और इवन कहीं पर भी नहीं होगा वो चीज़ पॉसिबल, है ना। सो थोड़ा सा पेशेंस रखें, बाकी जैसे अभी तक आप लोग हमारे साथ बने आए हैं उसी तरह से बने रहिए। अगर आपको लगता है भाई कि मेरी तरफ से कुछ गड़बड़ी हो रही है या कुछ गलती हो रही है या मैं आप लोगों के साथ रूड बिहेव कर रहा हूँ, सो बकायदा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सॉरी अनसब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियोस को डिसलाइक मार सकते हो, उल्टे सीधे कमेंट कर सकते हो, कुछ भी करो अगर आप मेरे वीडियो से सेटिस्फाइड नहीं हो या मेरे जवाबों से सेटिस्फाइड नहीं हो, है ना। लेकिन इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखें भाई कि जब हमें टाइम लगता है हम उसके अकॉर्डिंग ही आपके सवाल जो है उसका जवाब देते हैं। कई सारे सवाल ऐसे रहते हैं भाई कि मेरे को लगता है कि ये हमारे YouTube में वीडियो बनाने लायक भी टॉपिक है, सो उस टॉपिक पे मैं वीडियो भी बना लेता हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यूअर से या किसी सब्सक्राइबर से मेरे को पर्सनली कोई दिक्कत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि पर्सनली तो मेरे ख्याल से हमारे चैनल में मैं शायद 2-3 लोग हैं जिनको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मेरे बीच बीच में कभी कभी मुलाकात हो जाती है, लेकिन उसके अलावा अभी हमारे पास 9,500 से ऊपर सब्सक्राइबर है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं एक एक को बाय फेस या बाय नाम में जान पाऊंगा, है ना। उसी भरोसे से आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उसी भरोसे से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। सो केवल इतना ही कुछ कहना था आज की वीडियो में। सो भाइयों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जैसे एक हमारे रूटीन लाइफ चलती आती है कुछ उस तरह से बिताने की कोशिश कीजिए। जो भी आपके सवाल है हम कोशिश करते हैं उनका जवाब देने के लिए। मेरे पास सवाल का जवाब नहीं होता, कोई ना और जो हमारे ग्रुप में मेंबर्स हैं वो आपके सवालों का जवाब दे देंगे। सो कुछ इस तरह से चलता है ना। सो इस चीज़ का आप लोग भी ध्यान रखें, बाकी नाराज़गी किसी से नहीं है, और कोशिश आप लोग भी ये करें भाई कि ना केवल मेरे को बल्कि किसी को भी कुछ ऐसा उल्टा सीधा ना बोले जिससे किसी अगले को हर्ट हो। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपने, हालांकि टॉपिक तो कुछ नहीं था लेकिन अगर हम पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उस चीज़ के लिए आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा आज की वीडियो से। सो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर लेता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। साथ ही पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आई होगी तो ज़रूर से डिसलाइक कीजिए। और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर लेता हूँ, और फिर दोबारा से आप सभी का हमारे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।